मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं कक्षा नाइन्थ और टेंथ को संस्कृत अध्ययन करा रहा हूँ निरंतर रूप से। इससे पहले मैं कक्षा नाइन्थ और टेंथ को पूरा संस्कृत में संधि प्रकरण करा दिया, एक एक संधि करा के उनको समझा दिया। अब आज हम बात करते हैं समास के बारे में। हम अब शुरू करने जा रहे हैं समास, देखेंगे कि समास किसको कहते हैं और समास के बारे में समझेंगे। आज समास के बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे। सबसे पहले समास की परिभाषा क्या होती है, समास के भेद क्या होते हैं, इनके बारे में हम विशेष रूप से आज ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात होती है समास शब्द की उत्पत्ति। समास शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। जिस चीज के जिसके बारे में हम करने जा रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से जानना जरूरी है कि समास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, ये जानेंगे। तो देखिए, समास शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने एक मत होकर के कहा है कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सम उपसर्ग पूर्व घई प्रत्यय कृते समास शब्दस्य उत्पत्ति ही। यानी कहा जा रहा है सम उपसर्ग पूर्व घई प्रत्यय कृते समास शब्दस्य के स्थान पे इति लिख सकते हैं, समास इति। यानी सम उपसर्ग पूर्वक घई प्रत्यय से समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी इसका पहला पद क्या है, सम जो उपसर्ग है और उसके बाद में घई प्रत्यय। सम के स्थान पर कई जगहों पे अस भी लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें, सम के स्थान पर कई जगहों पे अस भी लिखा जाता है। अब उसके बाद समास की परिभाषा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। तो समासनम ही समास, समासनम ही समास, ही को हटा देते हैं, सीधा लिखते हैं समासनम समास। यानी किसी भी चीज को समसनम समास, यानी किसी भी चीज को, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप में करके लिखना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी कोई वाक्य हो विस्तार से लिखा हुआ हो और उस विस्तारित रूप को संक्षिप्त में कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। पहली बात ये ध्यान रखें, कोई भी विस्तारित चीज हो उसको संक्षिप्त में करके लिख देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये तो समास हो गया। उसके बाद आता है समास विग्रह, फिर होता है समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, ऊपर समास की परिभाषा लिख दी, समसनम समास यानी किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में करके लिखने की प्रक्रिया क्यों क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यहां पे हिंदी में और लिख देता हूं, पहले वो लिख देता हूं, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में करके लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है,
समास कहलाती है। ये समास की परिभाषा हिंदी में। किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब उसके बाद समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह के बारे में सुन लीजिए। किसी भी संक्षिप्त चीज को उल्टा हो जाता है, किसी भी संक्षिप्त वाक्य को विस्तारित रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। किसी भी संक्षिप्त वाक्य को या शब्द को विस्तारित रूप से लिखना, फैला करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समास विग्रह के बारे में, पूछ ले कि क्या कहते हैं, तो बेसिक जानकारी आप दे सकते हो कि किसी बात को विस्तारित रूप में लिखने की प्रक्रिया प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। यानी किसी भी चीज को हम जब विस्तार से लिखते हैं, जैसे समास में तो किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखते हैं और उसी संक्षिप्त को यदि हम विस्तार से करते दोबारा तो क्या कहलाया जाएगा? समास विग्रह। संक्षिप्त में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? समास करना हो जाएगा। और उसी चीज को विस्तार में लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। तो पहले मैं आपको समास शब्द की उत्पत्ति बताया, फिर समास की परिभाषा बताया, समास विग्रह किसे कहते हैं ये बताया। अब आज आपको बता रहा हूं समास के नाम, समास के नाम, समास के नाम। मुख्य रूप से छह प्रकार के समास चलते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, नंबर दो तत्पुरुष समास, नंबर तीन कर्मधारय समास, नंबर चार द्वंद्व समास, नंबर पांच द्विगु समास और नंबर छह बहुव्रीहि समास। ये छह समास के नाम होते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा बहुव्रीहि। इन छह समासों के अपने अलग अलग परिभाषा होती है। जैसे कि आपको बता रहा हूं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है आज इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसके पहला पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होते हैं। पहला पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, एक तरफ से देखा जाए तो तत्पुरुष का ही उपभेद है, कर्मधारय तत्पुरुष का ही उपभेद है, इसके भी अलग अलग भेद होते हैं। विशेषण विशेष, उपमानोपमी, इस प्रकार से और भी भेद होते हैं जो करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। द्वंद्व समास, तुलनात्मक वाक्यों की बात की जाती है। द्विगु समास, संख्यावाची। बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई तीसरा पर्सन व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जाता है, बात किया जाता है, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया जाता, यानी जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसका नाम नहीं लिया जाता इसे। तो इस प्रकार से आज मैं आपको समास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया, समास की परिभाषा बताया, समास विग्रह बताया और समास के नाम बताया। आपका काम यही है कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई लिख करके याद करना है,
समास की परिभाषा लिख लेनी है, याद करना है। समास विग्रह किसे कहते हैं ये याद करना है लिख करके, और समास के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। कल के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से एक एक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।